तो और भाई लोग कैसे हो सारे? सो भाई लोग यार, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट करूंगा, सर लेके आ गया हूँ न्यू सीरीज जिसमें गाइस हम लोग वन बाय वन सारे घर को कवर करने वाले हैं, यानी कि सारे हाउसेस को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आज के इस वाले वीडियो में हम लोग गाइस पूरे मतलब बहुत ओपी कड़क एकदम ट्रिक्स बताने वाले गाइस स्क्वाड हाउस के, क्योंकि गाइस स्क्वाड हाउस इतना कॉमन है कि सब बंदे वहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली कैंप करते हैं। एंड यार सभी को चाहिए कि यार उसके कुछ ट्रिक्स पता चल जाए जिससे यार एकदम ईजिली हम लोग बंदों को किल कर सके, जिससे हम लोग को कुछ भी परेशानी ना हो गेम खेलने पर। और ये जो ट्रिक अगर आप लोग यूज कर लेते हो बंदा मतलब यार मतलब आपका फैन बन जाएगा भाई, आपको ऑल में बोलने लगेगा कि भाई ये सब ट्रिक यार कहां से लाता बता दे सर। बहुत ही ज्यादा ओपी ट्रिक्स लाए हुआ आप लोग के लिए, बहुत ही ज्यादा आपके लिए गेम में हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखोगे, एंड मेरी रिक्वेस्ट यार पूरा देखना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि यार आपको मतलब कुछ भी दिक्कत ना हो एग्जीक्यूट करने में कोई भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। तो यार चलो फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन यार उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। एंड अगर ये ट्रिक्स अगर आप लोग गेम पे यूज करते हो तो भाई तुम्हारा यार लाइक करना तो मतलब बनता है भाई, लोग जरूर से लाइक करके जाना। एंड अगर चैनल पर नए हो और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपको पसंद आती है मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो और भी देखना चाहते हो, सर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलो यार फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? पूल से भर रहा, देख मेरा पूल तो मैं हो गया अगर प्रिंसिपल पर मैं हूं पूरा स्कूल। तो बढ़ते अपने तरकीब नंबर एक की तरफ। तो तरकीब नंबर एक जो है वो वर्क करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर गाइस क्या होता है कि इस वाले पैनिक रूम एंड इस वाले मतलब जो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बंदे बड़ी हार्डकोर वाला कैम्प कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस गेट को खोलना है, एंड इसके लिए आपको एक डासिया की जरूरत पड़ेगी। सब पे आपको क्या करना है, डासिया को इस तरीके से लाना है और गेट में ऐसे भिड़ाना है, मतलब यार उसमें टक्कर मारना है, ऐसा नहीं कि तोड़ दो आप लोग, थोड़ा धीरे से करना ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से आना और यहाँ पर जंप मार के इसके ऊपर चढ़ना है, एकदम चिपक के खड़े होना आपको इसमें। और यहाँ पर गाइस इस तरीके आप लोग ऊपर आ पाओगे, एंड जैसे ही ऊपर आ पाओगे यहाँ पर देख सकते हो यार बंदा सीढ़ी पे पीक करके भाई पूरा टीपीपी ले रहा है बंदों का। एंड यहाँ पर गाइस आपको इसको इधर से नहीं चढ़ना, आपको इस साइड आ जाना है। एंड इस साइड में आने के बाद यहाँ पर गाइस जो पैनिक रूम में बंदा है जो आपको देख रहा है यार, इसको आपको इजिली मार सकते हो, देख सकते हो इसको पता ही नहीं चलेगा, मैं इसको नॉकआउट कर दूंगा। एंड बिल्कुल इजिली यहाँ पर गाइस मैं ऊपर चढ़ के उस वाले बंदों को भी मार सकता हूँ। यहाँ पे जो भी बंदे मतलब लिटरली गाइस एक भी बंदा बचने वाला नहीं है, जो छत में रहेगा उसको भी नहीं पता चलेगा कब बंदा आएगा, और मेरे दो तीन टीममेट नॉक भी पड़े हैं यार, बहुत इजीली आप लोग मार सकते हो। मैं अभी इसलिए नहीं मार रहा हूँ बिकॉज ये कस्टम रूम में मैं इसको कर रहा हूँ। सो यहाँ पे गाइस आपको एग्जांपल के तौर में दिखाने के लिए मैं सिर्फ इसको यहाँ पे बंदों को अपने खड़े किया हूँ ठीक है। अब बढ़ते हम लोग तरकीब नंबर दो की तरफ। जो तरकीब नंबर दो है वो वर्क करता है यहाँ छत पर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पर जो इसका बाउंड्री है उस पर आके इस तरीके से पीक करना है। अब जो भी बंदे रश करेंगे आप लोग उसको इजीली यहाँ से गाइस उसके व्यू ले सकते हो, इजीली बंदे को नॉकआउट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो जैसे ही बंदा ऊपर आया भाई मैं उसको इजीली फिनिश कर पाया। एंड जो भी बंदा आएगा यहाँ पे आप लोग दो तीन बंदे को इजीली यहाँ पे नॉकआउट मार सकते हो, एंड फिर उतर कर यहाँ पे पूरा चौथे बंदे को भी फिनिश कर सकते हो। तो बढ़ते अपने तरकीब नंबर तीन की तरफ। जो तरकीब नंबर तीन है वो वर्क करता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि आपको इस तरीके से इसके ऊपर आना है और यहाँ पर जंप लगा के इस तरीके से बैठ जाना है ठीक है। यहाँ पर जैसे ही बैठोगे यहाँ पर जैसे ही बंदे रश करने लगते हैं वो सीधे आएंगे यहाँ पर इस वाले छत में और आपको देखने खोजने लगेंगे कि कहाँ है बंदा। और जैसे ही आपको कुछ नहीं दिखेगा अरे यार आप लोग इजीली मौके का फायदा उठा के इजीली यहाँ पे मौके पर छक्का मार सकते हो। चौका हम लोग नहीं मारते, हम लोग डायरेक्ट छक्का मारते हैं यार। तो इस तरीके से आप लोग मार सकते हो, जो भी है यार फिनिश कर सकते हो बिल्कुल इजीली। वो रिवाइव भी देने आएगा लेकिन आप लोग यार उसको तो पता ही नहीं है बंदा कहाँ है यार, आप लोग इजीली मार सकते हो इस तरीके से। ये ट्रिक का जरूर से आप लोग यूज करना, आपको स्क्वाड हाउस में इतना बेनिफिट मिलेगा कि उससे मतलब फिर यार बोलोगे हर बार यूज करना हम लोग। तो गाइस यार बढ़ते अपने तरकीब नंबर चार की तरफ। तो तरकीब नंबर चार इतनी खतरनाक है यार, फिर बोलोगे मतलब कि यार ये तो कतई जहर वाली चीज हो गई भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डासे को कुछ इस तरीके से पोजीशन में लगाना, आप लोग थोड़े अच्छे से और कर लेना, बिल्कुल गेट से एकदम सटा देना ताकि आपको जगह ही नहीं मतलब किसी को एनिमी को इधर आने की जगह ही ना मिले ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे ही आप लोग मतलब एग्जिट करोगे यहाँ पे आप लोग इस साइड आ जाओगे, एंड जैसे ही इस साइड आओगे आपको यहाँ पे गाड़ी का जो चक्का होता है उसके नीचे इस तरीके से यहाँ पे लेट जाना है ताकि बाहर से जो भी बंदे आए उनको कुछ भी व्यू ना मिले, उनको पता ही नहीं चले कि भाई यहाँ पर बंदा भी है, उनको लगेगा जस्ट कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है जो कि ऊपर बंदा कैंप कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, जैसे ही बंदे ऊपर चल जाते हैं आप यहाँ पे उसके पीछे से जाके उसको इजीली मार सकते हो। जैसे कि देख सकते हो बंदे यहाँ पर ऊपर है, इनको पता ही नहीं मैं इसको इजीली मार सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो तीन बंदों को इजीली फिनिश कर सकता हूँ। अगर आप लोग डुओ हो तो यार मतलब पूरा स्क्वाड वाइप कर सकते हो इस तरीके से। तो बढ़ते हैं अपने तरकीब नंबर पाँच की तरफ। तो जो तरकीब नंबर पाँच है वो भी बहुत ही ओपी है, आज का बेस्ट ट्रिक है ठीक है। मैंने जैसे कि बोला था बेस्टेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा एक, तो यहाँ पे
आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाना है। जैसे आपको पता है कि अगर घर में बंदे हैं तो इस तरीके से क्रॉल करते हुए आपको इस साइड आ जाना है, ठीक है। इस साइड आने में आपको सीधे आगे जाना है, यहाँ पर गाइस इस तरीके से आते जाना है। एंड यहाँ पर गाइस इसके बाद यहाँ पर मुड़ना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर आप लोग जैसे ही पहुँच जाओगे यार, इसके बाद यहाँ पे से आप लोग गाइस पूरे घर को देख सकते हो। मतलब कि कोई भी छत में भी बंदा है तो आप लोग उसको बिल्कुल ईजिली मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई पैनिक रूम में भी बंदा छुपे रहता है तो आप लोग ईजिली मार सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पैनिक रूम में मार सकते हो। यहाँ से पीक लेना, जस्ट इजीली आप लोग यहाँ से किसी भी बंदे को फिनिश कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो अंदर भी बंदा है उसको भी आप लोग स्प्रे देके कर सकते हो। जैसे ही वो बंदा लो रहेगा आपको यहाँ पे चढ़ के सीधा मतलब यार एकदम हार्डकोर वाला स्प्रे दे देना, ठीक है सर। बहुत ही ज्यादा ओपी सी ट्रिक है, आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की ये बेस्टेस्ट ट्रिक है। मतलब स्क्वाड हाउस की ये इतनी ज्यादा ओपी ट्रिक है कि यार आप लोग इसको यूज करते हो, एक बार आपका इससे फायदा हो जाएगा ना, उसके बाद यार आपका मन करेगा कि भाई ऐसे सीन हमारे, ऐसे सिचुएशन हमारे हर बार बने, ताकि हम लोग ऐसी गजब गजब की ट्रिक का यूज कर पाए। सो गाइस आई होप कि ये आपको 5 ट्रिक अच्छी लगी होगी जो मैंने स्क्वाड हाउस के ऊपर बनाई है। एंड इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे घरों को भी कवर करने वाले हैं, जिनमें सारी ट्रिक्स सिर्फ उसी घर को रिले के मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है सर। इस वाले जो सीरीज है इसको गाइस आप लोग को अपना सपोर्ट दिखाना है। मेक श्योर कि आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज इतनी मजा आता है यार ये सारी ट्रिक्स को यूज करने में, और आपको गाइस बताने में भी बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये सारी ट्रिक्स को। सो गाइस यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड यार इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार भाई लोग क्या कर रहे हो, पाप लगता है यार। मार्क्स वक्स कम नहीं मिलेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर गाइस आपको सब्सक्राइब कर लेना, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऐसी गजब गजब की वीडियोस अपलोड करूं तो यार आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिए गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।